हेलो गाइस, श्री शिवाय नमस्ते भैया। तो ब्लॉग को शुरू करते हैं। तो हम आप लोग को दिखाते हैं गिफ्ट अनबॉक्सिंग। ठीक है, देखिए मेरी पुच्चू बॉक्सिंग करने के लिए, तो सबसे पहले वो अपना ही गिफ्ट दिखाना चाह रही है। तो ये देख लीजिए भाई, पुच्चू की मम्मी कही थी। देखें तो ये है कुर्ती और इसके साथ इसका ये है पैंट, जो कि बहुत ही कम्फर्टेबल है और कॉटन कपड़े का है। और इस टाइम बुलबुल को ये कॉटन और कॉटन बहुत पसंद आएगा, क्योंकि आपको पता है प्रेगनेंसी में कितना जरूरत होता है। तो बुलबुल कैसा लगा? थैंक यू बोलो। थैंक यू दीदी, वेलकम। और ये है पायल का गिफ्ट, ये है ब्लू कलर का। ये भी चूड़ा इसलिए गया है क्योंकि नया कपड़ा ऐसे हो जाता है रखने का। ये है ब्लू कलर, आपको ब्लू के पास कोई भी कलर है तो बेस्ट ही लगेगा। और ये है त्रिशु की तरफ से ये कुर्ती पिंक कलर की, जो की है इस टाइप का। ये देखिए काफी अच्छा लग रहा है, ये पॉपकॉर्न कपड़े में आता है ना। कैसा लगा तुम्हें? और ससुर जी का नॉट लास्ट ऑन द लिस्ट, थोड़ा सा रोक रोक के बना दो क्योंकि मोबाइल में मेरे प्रॉब्लम। तो हम लोग अब पापा जी का गिफ्ट दिखाते हैं। तो ये है पापा जी का गिफ्ट, ये देखिए चॉइस हमारी है। इसका ये बॉर्डर कैसा लग रहा है? बहुत सुंदर, अच्छा लगा ना। और मेरे भैया भाभी को येलो कलर कुछ ज़्यादा ही पसंद है, तो मैंने सोचा कि येलो ले लेते हैं, येलो कलर है। और ये इसका पैंट पे भी थोड़ा सा डिज़ाइन बना हुआ है। और ये है दुपट्टा, इसको भी लेस लगी हुई है, तो काफ़ी अच्छा है। तो बोलो पापा जी को थैंक यू बोलो। पापा जी थैंक यू, बहुत सुंदर सूट है, इसको इसमें लगा कर। अब मैं अपना गिफ्ट दिखा देती हूँ। तो मैंने ये वाला कुर्ती लाया है, देखिए अच्छे कलर। हाँ नाइस। तो ये देखो ये है कुर्ती, कलर कैसा लग रहा है? वेरी ब्यूटीफुल। एक मिनट रुक दो रुक दो। तो ये देखिए ये मेरा गिफ्ट है, और ये देखिए कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। पर कैसा लग रहा है? बहुत सुंदर। तुम कैसा लग रहा है? सुंदर कलर, बहुत प्यारा है। मुझे धन्यवाद बोल दो। धन्यवाद, थैंक यू। और ये मेरे लिए, अपने भाई के लिए भी शर्ट, ये देखिए अच्छा लग रहा है। तो ये मेरे भाई के लिए है, तो भैया भाई दोनों का हो गया। और मैंने कुछ कैश में दे सिंगार का सामान भी दे दिया है, और आज चल भी दे दी है। और आप जानते हैं मेरे सामान क्या रहा है, उसमें लिपस्टिक नहीं था, तो आज पूरा कर दी है। और आज चूड़ी और लिपस्टिक दे दी है, और तो बाकी का सामान हम दे दिए हैं। बैंगल्स दिए आज दीदी। ये देखिए ये टी शर्ट है, आज चल दी है मेरी सिस्टर। तो हम लोग भाई ऐसा दोनों लोग में लड़ाई नहीं हो जाएगी, भाई को दिए भाभी ने दे रहे, इसलिए हम दोनों को दे दिए हैं। और पायल भी ऐसा काम ही नहीं, हमने ना तो सारे लोग ये काम किए हैं। तो गाइस आप लोगों को गिफ्ट कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय। तो देख गुड मॉर्निंग गाइस, श्री शिवाय नमस्ते भैया। तो मॉर्निंग हो गई है, और ये देखिए बारिश हो गई है, पूरा बादल। और यहाँ देखिए बारिश हो रही है, आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं? यहाँ देखिए, ये देखिए, ये देखिए कितनी बारिश हो रही है। मौसम बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, ये देखिए बारिश तेज हो रही है। ये देखिए बारिश में हल्का हल्का मेरा बाल भी गीला हो गया है। और यहाँ पे बहुत सारी बारिश हो रही है, बहुत ढेर सारी। ये देखिए बरसात की दुनिया, बहुत अच्छा लग रहा है। हो गई हूँ रेडी, और मैंने वियर किया है ये सूट। इसके स्लीव्स देखिए बहुत सुंदर लगती है।
तो गाइस हम लोग रेडी हो चुके हैं और हम लोग जा रहे हैं घूमने। घूमने क्या जा रहे हैं, किसी के घर जा रहे हैं मिलने। और हम बुलबुल और बच्चे शिवम, ये बुलबुल है, हीरोइन लग रही है। इधर गाड़ी हम लोग की रेडी हो चुकी है, हम लोग इतने लोग लग जाते हैं इनके गाड़ी पे। तो हम लोग पहुँच गए हैं बड़े भाई और भाभी के घर, और वो लोग ज़्यादा वीडियो में आना पसंद नहीं करते हैं, इसलिए वो हमारे वीडियो में ज़्यादा नहीं आते। बहुत लोग होते हैं कैमरे के सामने नहीं जाना पसंद करते हैं उतना, तो कोई बात नहीं, होता है, सबका सोच होता है, इसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं होती है। तो इधर इनके बच्चे हैं, इधर मैं, बुलबुल और शिवम साथ में आए थे। ये देखिए विवू, ये मेरा भतीजा है जो कि बहुत ही क्यूट है और बहुत ही शैतान बच्चा है। बच्चे तो सभी क्यूट हैं और शैतान तो सारे बच्चे हैं, फल से मेरे कम है। और ये देखिए, ये टेबल पर से नमकीन एक एक दाना उठा के खा रहा था, तो बड़ा ही क्यूट लग रहा था। मन करता है इसको प्यार कर लें। देखिए ना कितना क्यूट है, मतलब कोई भी इसको प्यार कर सकता है, इतना क्यूट है विवू। और इधर मैं थोड़ा भाई के साथ शॉपिंग करने गए, तो यहाँ से मैंने बुक्स और कॉपी किताब थोड़े लिए, फिर हम अपने भाई के वहाँ चले गए। इधर यहाँ पे हो रही है मस्ती, और यहाँ देखिए चिल्ला चिल्ला के हो रही है। तो इधर बच्चे चिल्ला चिल्ला के खेल रहे थे और देख रहे थे कि किसकी आवाज़ सबसे तेज़ निकलती है। और इधर देखिए छोटा बड़ा पैकेट, बड़ा धमाका, या मेरा बच्चा भी कम नहीं है, सारे एक से बढ़ के एक है। दृष्टि अपने मामी के मोबाइल में लीडो कर रही थी। इधर मेरी भतीजी जीवा है जो कि बहुत ही बदमाश बच्चा है। ये और डुगू और अक्कू और विभू, ये चारों एक बराबर हैं। ये देखिए इतना ये चिल्ला है कि इसके मुंह से आवाज़ ही नहीं निकल रहा। देखिए कोशिश करता है पर ये बोल ही नहीं पा रहा था। देखिए देखिए इतना सब नाटक है ना, ये देखिए इसका आवाज़ ही नहीं निकल रहा था। फिर मैं इसको देख रही थी, फिर अपने भाई से बोली कि देखो इतना चिल्ला लिया है ना कि ये बोल नहीं पा रहा, आवाज़ नहीं निकल पा रहा। बच्चों पे छोटी छोटी चीज़ों पे भी केयर करना पड़ता है। देखिए फिर हम लोग उसको बुलाया, थोड़ा पानी पिलाया, तो थोड़ा सा इसका आवाज़ निकला और फिर ये कूदने लगा, चिल्लाने लगा। ये देखिए इतना डर लगता है कहीं गिर ना जाए। तो खिला दो, खिला दो, आ आ, खिला दो, खिला दो, आ आ आ, आ। इधर हम लोग का खाना निकल गया था, ये बना था पनीर की सब्जी, पूरी, पुलाव। तो हम लोग खाना खा लिए, ताकि खाना खा के हम लोग को घर निकलना था। और इधर देखिए इंडिया मैच जीतने की खुशी में कितने पड़ाके फूटे गए छत पे। मैं गई तो देखे बहुत सारा पड़ाका फूट रहा था, तो मैंने थोड़ा सा शॉर्ट्स वीडियो बना दिया। गुड मॉर्निंग, जय शिवाय, नमस्तुभ्यम। और मेरा चैन सुबह सुबह टूट गया है और मूड बहुत डिस्टर्ब है। हम लोग थोड़ा जा रहे हैं शॉपिंग करने, और मौसम बादल वाला हुआ है, हल्का हल्का बारिश हो रही है, तेज ना हो जाए, इसी वजह से हम लोग निकल रहे हैं। रिशु अपनी फटफटैया लेके आ रही है। गाइस यहाँ पे इतना अच्छा अच्छा सूट मिला था कि हम लोग इनके सारे दुकान का जितना भी अच्छा सूट था सारा हम लोग ले लिए हैं। अब इनका दुकान एकदम खाली हो चुका है, अब ये शनिवार को भरेंगे। बहुत अच्छा अच्छा रखते हैं। कहाँ पे इसका दुकान? रेती, रेती, हाँ, घंटाघर और रेती चौराहे के बीच में। कहाँ है बता दीजिएगा दुकान का नाम? विजय भोलेनाथ कलेक्शन, घंटाघर के थोड़ा सा पहले। आपको समझिए यहाँ पे आएगा बहुत ही अच्छे प्राइस में और बहुत ही अच्छे अच्छे सूट मिलते हैं। मैं भेज रही हूँ, सही है वाला। दिखाइए, कोई और अच्छा लगे। आज लग रहा बिना सूट के जाना पड़ेगा। बेटा है क्या सोना? रामा रामा कर लो। हाँ खाना खाई हो? प्रिशा, प्रिशा खाना खाई है? प्रिशा नहीं खाई है। प्रिशा आप पोछा नहीं लगाओ, घर साफ हो गया, पोछा नहीं लगाओ। लो 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 खा लो, लो खा लो, लो लो खा लो, लो
नहीं खाओगी? नहीं नहीं करो, नहीं खा लो, लो नहीं खा लो, लो नहीं खाएगी, लो खा लो, लो बाय बाय प्रीशा, बाय बाय। गुड मॉर्निंग गाइस, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो मैं हो चुकी हूँ रेडी घर जाने के लिए और बच्चे भी अभी रेडी हो चुके हैं। दृष्टि, बच्चे भी मेरे रेडी हो चुके हैं। मेरा बाल गाइस छोटा हो गया, कैसा लग रहा है? घर पे ले जाने के लिए खाना बना रही हैं, पराठा सब्जी। तो ब्लॉग में बने रहिए। और श्री बाल जाते बेटा आ जा। हेलो गाइस, ये देखिए हवा बहुत बड़ा, देखो दीदी घर जा रही है। हां यार, चलो ले गाड़ियां, ये पापे को सामान रखा रहा है वो जा रहा है। अरे 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 बाप रे, यहां भेंट बहुत बड़ा लापरवाही कर रहा है। अभी भले जमाना हो जाए नया, लेकिन पुराने तरीके से विदाई होती है। तो एक लड़की के लिए उसका मायका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है, क्योंकि उसका मायका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है। और मेरे मायके मेरी माँ नहीं है, तो मुझे इस चीज़ सीखने बहुत ही ज़्यादा गलती है। एक माँ के लिए उसकी बेटी का क्या रिलेशन होता है आप जानते हैं, क्या रिश्ता होता है। फिर धर्म को थोड़ा रोना भी आ रहा था, फिर भी भाई भाभी हैं तो चलो ठीक है, माँ की जगह तो नहीं ले सकता, लेकिन हाँ जो रिश्ता है भाई भाभी निभा देते हैं माँ नहीं रहने पे तो बहुत ही ज़्यादा है। उन लोग को भी हम बहुत मिस कर रहे थे। इधर हम लोग बैठे हैं, इधर हम लोग बड़लगंज आ गए हैं और फैमिली में घर पहुँचे हुए हैं। इसी सब ब्लॉग को ख़त्म करते हैं।